तो हेलो एवरीवन, की हाल चाल, सत श्री अकाल, बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार। तो आज के ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज भी वही हमारी राइड है चाय के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टोल पे, टोल पे हम चाय पियेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। तो यार आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश दो दिन से हो ही रही है, आपको पता ही है क्या हाल हो रहा है दिल्ली का और फरीदाबाद का। बाकी हरियाली देख के तो आंखें एकदम तरोताजा सी हो जाती हैं। कभी ये मैंने पेड़ पौधे देखे नहीं थे इतनी हाइट पर, आज देखने को मिल रहे हैं। और यार हर जगह टावर्स लगा दिए गए हैं इधर ना, तो ये देखो इधर भी नहीं था एक टावर भी, यहाँ पर नहीं था, पीछे दो टावर थे, मतलब हर जगह टावर्स लगा दिए इन्होंने, नेटवर्क टावर। हम यहाँ क्यों आए हैं? तो भाई अभी ये स्विंग आर्म तो चटक चुका है नीचे से, पुनीत भाई और ये अपने प्रदीप भाई है, इसे खोलने में लगे हुए हैं। तो कोशिश तो चल रही है, इसका साड़ी गार्ड तो हटा दिया हमने, बाकी अब ये खुलेगा कैसे? अरे इधर से नहीं खुलता, यहाँ से नहीं भाई, उस साइड से खुलेगा यार। ये स्विंग आर्म यहाँ से भी टूट चुका है, और नीचे से आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे भी टूट चुका है। बड़ा वाला वो रहा, टूल के पैर नहीं मारते, हमने डालना संडे राइड की बात। R15 वर्जन 3 जो कि नीरज भाई की है, नीरज सोनी भाई की, उसके चैन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ऊपर से चैन इस पॉकेट का ये हाल है, यहाँ से चैसी स्विंग आर्म टूट चुका है, ये स्विंग आर्म पूरा टूट चुका है। R15 का पॉकेट टूट गया है, चैन उस पर लपट गई थी, और साथ में इसका स्विंग आर्म भी चला गया है। शुक्र है बंदा अकेला था तो बच गया, अगर दूसरा साथ में गया होता तो दांत टूटते टूटते हाथ पैर अलग जाते। तो अभी प्रदीप टो कर रहा है इसको, देखो बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत बुरा। सही लगाया, एक लाइन में चलो, एक लाइन में पीछे हो जाओ। सिंगल फॉर्मेशन में चलो, सिंगल सिंगल, रोड मत घेरो, रोड मत घेरो प्रदीप, रोड मत घेर, रोड मत घेर, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, रोड मत घेर।
ना ना टेंशन मत ले, तुम इधर हो गए, चलो मैं देख रहा हूँ।